सीधा रुख करेंगे संसद का, जहां एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया है संसद में चाकू लेकर। हालांकि गिरफ्तारी कर ली गई है, ये सीधी तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। संसद में एक अज्ञात व्यक्ति चाकू लेकर घुसा। इस वक्त की अहम खबर आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी के माध्यम से। संदीप भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पता चल पाया है? एक युवक संसद परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्या अपडेट है? जी शौकू, मैं बता दूं कि विजय चौक के पास जो आर्यन गेट है संसद का, उससे वो युवक बाइक पर सवार था, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी जो वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई थी, उन्होंने उसे रोका। जब रोककर जब तलाशी उसकी ली गई तो उसके पास से एक चाकू बरामद किया गया, जिसके बाद तुरंत जो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे। ऐसे ही वो जो युवक था, वो पहले से काफी देर से उधर घूम रहा था, बाइक पर था, एक बाइक पर सवार था, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोक दिया। तो उसके पास से चाकू मिलता है, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। उससे पूछताछ जो है लगातार वो जारी है। पुलिस को अभी तक ये सूचना नहीं मिल पाई है कि वो युवक कौन था, कहां से आया था, या उसके बारे में जो अन्य कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। हमसो बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप को बता देते हैं कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, चाकू के साथ वीआईपी गेट से ये घुसने की कोशिश कर रहा था और दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी का जो नाम है वो सांगर इंसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस से जानकारी, पुलिस इससे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगी पूछताछ में, और संसद मार्ग थाने में इस आरोपी से पूछताछ की जाएगी। तो लक्ष्मी नगर के, दिल्ली के लक्ष्मी नगर का ये आरोपी रहने वाला है, जिसने सुरक्षा में सेंध लगा के संसद में घुसने की कोशिश की है।